हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में गूगल मैप यूज करने के बारे में बताऊंगा, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, गूगल मैप बहुत ही काम का ऐप है जिसे हम किसी भी अनजान जगह पर जाने में मदद करता है या आसपास में किसी हॉस्पिटल, एटीएम या किसी शॉप को ढूंढने में मदद करता है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, हम यहां से अपना मैप ओपन कर लेंगे। जैसे हम यहां पर मैप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से हमारा मैप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें इस वाले आइकन पे आकर यहां पर हमें टाइप करना होता है। जैसे हम यहां पर टाइप करेंगे, ये हमें लोकेशन ऑन करने के लिए परमिशन मांगता है, तो हमें यहां पर ओके कर देना है। और दोस्तों, फिर से हमें इसी लोकेशन वाले पे टैप करना होता है। जैसे हम इस पर टैप करते हैं, कुछ देर बाद हमारा ये करेंट लोकेशन दिखाने लगेगा, तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं और इस पर दबाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा करेंट लोकेशन दिखाने लगा है। फिर से हम इस पर टैप करेंगे तो ये हमें कुछ जूम आउट करके ऐसे दिखाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अभी करेंट लोकेशन में हम यहाँ पर है। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये मेरा करेंट लोकेशन शो कर रहा है। दोस्तों, आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर हॉस्पिटल है, सत्य हॉस्पिटल है। आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर शांति हॉस्पिटल है, ऐसे आप कुछ करके देख सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं विलोरिक स्टेडियम है हमारे यहाँ पर, प्लेग्राउंड। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप जाना, तो इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करते हैं, आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, तो इस पर आपको स्क्रॉल कर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका कुछ फ़ोटो यहाँ पर शो कर रहा है स्टेडियम का। यहाँ से आप उसके स्टेडियम का फोटोज़ भी देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप अबाउट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद ओवरव्यू करके आप यहाँ पर आकर यहाँ से अगर जाना चाहते हैं वहाँ पर, तो आपको ऐसे सिंपली यहाँ पे डायरेक्शंस पे आपको यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे आप डायरेक्शंस पे टैप करते हैं दोस्तों, ये आपका लोकेशन शो होने लगता है। दोस्तों, आपको कुछ इसी तरह से करके आपको जो ये बिंदु बिंदु करके ब्लू में दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ ऐसे ही करके जाना होता है। दोस्तों, अगर चाहते हैं यहाँ पर अभी हमें पैदल चलने का लोकेशन दिखा रहा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से बाइक का भी रास्ता ले सकते हैं और यहाँ से चाहें तो आप कार का भी रास्ता ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये 400 मीटर दूर दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है इसका दूरी। और हम यहाँ पर जाने के लिए हमें कार से अगर जाएंगे तो हमें 1 मिनट का लगेगा और यहाँ हम अगर इसे पैदल जाएंगे तो हमें 5 मिनट लगेगा। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। दोस्तों, आपको यहाँ से सिंपली बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे दोस्तों, टर्न लेफ्ट, दोस्तों ये देख सकते हैं अभी आपको ये बोला है टर्न लेफ्ट। तो दोस्तों, ये जब आप किसी कार से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको ये लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन बताता रहेगा। दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। आई होप कि ये आप स्टेप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम फर्स्ट अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर सर्च हियर पे आना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ पर हैं उसके आसपास में कोई हॉस्पिटल, एटीएम या पेट्रोल पंप सर्च करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इसी पे आकर सर्च करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पेट्रोल पंप। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं दोस्तों, हमारे आसपास में जितना भी पेट्रोल पंप है, फिर से हम सर्च कर लेते हैं, हम बैक कर दिए थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारे पास में पेट्रोल पंप है, ये हमारा शो कर रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों आप ऐसे करके आप जिस पेट्रोल पंप पे जाना चाहते हैं उस पे आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे आप टैप करते हैं आपको ये कुछ इस तरह से डिटेल शो करने लगता है दोस्तों। तो जैसे आप स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा डिटेल पूरा शो करने लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें पैदल जाने में 14 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम इसे डायरेक्शंस लेकर यहाँ से कार पे चूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये कार से अगर जाएंगे तो यहाँ पर 5 मिनट लगेगा और हम बाइक से जाएंगे तो यहाँ पर 4 मिनट लगेगा। दोस्तों आई होप कि ये भी स्टेप आपको पसंद आया होगा यानी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से बाइक आ जाना है। दोस्तों अगले स्टेप में मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कि किसी अपने अपने स्थान से कहीं और जाना चाहते हैं और उसको सर्च करना चाहते हैं कि वो हमसे कितना दूरी पे है और कैसे उसका रास्ता आप चाहते हैं देखना, तो आपको सिंपली यहाँ पे ब्लू कलर में जो शो कर रहा है इस पर आपको आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले में योर लोकेशन चूज करना है। इसके बाद आपको चूज डेस्टिनेशन करना है। तो जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं शांति हॉस्पिटल, तो हम शांति हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये लोकेशन शो करने लगता है। तो आपको इसी ब्लू और ग्रे वाला लाइन पे आपको जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा 850 मीटर की दूरी पे है। अगर हम बाइक से जाएंगे तो 3 मिनट लगेगा और यहाँ हम पैदल अगर जाएंगे तो हमें 10 मिनट लगेगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही और कुछ दूसरा सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से छपरा जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उसका दूरी कितना दूर है, तो हम यहाँ पर उसका नाम सर्च कर लेंगे और सर्च कर लेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पैदल जाएंगे तो 14 घंटा लग सकता है। अगर हम यहाँ पर कार चूज करते हैं तो दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट में जा सकते हैं। अगर बाइक चूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटा 55 मिनट लगेगा। दोस्तों वही हम अगर ट्रेन का यहाँ से चूज करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 घंटा 54 मिनट लगेगा। और दोस्तों इसका कमाल का बात यह है कि जो भी अभी ट्रेन फिलहाल में है यहाँ पर उसका टाइमिंग भी शो करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 2:41 हो रहा है अभी और यहाँ पर हमें टाइमिंग शो कर रहा है 3:05, यानी हमारा अभी 3:05 पे हमारा पवन एक्सप्रेस है जो छपरा जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों कमेंट जरूर से करें, अपना सुझाव जरूर से दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।